स्ट्रेटिफिकेशन एंड इम्प्लीकेशंस सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ़ स्ट्रेटिफिकेसन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कार्ल मार्क्स इज फिलोसफी कार्ल मार्क्स की फिलोसफी सोशल स्ट्रेटिफिकेसन या क्लास सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ही एक्चुअली डिस्कस द टॉपिक अंडर हिज व्यूज दैट दोज हैविंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक Industrial and technological tools are capitalists who acquire all the sphere of, uh, of production and produce community and commodity. And on the other hand, they, there are the workers who have no means of production and hence they only offer their labor work to earn for their. सर्वाइवल सो दिस क्लास इज डिप्राइव्ड ऑफ एनी शेयर इन सरप्लस दैट इज जनरेट तो कार्ल मार्क्स की फ़िलासफी को समझने के लिए ये पॉइंट हमें अंडरस्टेंड करना है कि अकॉर्डिंग टू हिम देअर आर टू बेसिक ग्रुप्स वन इज़ एट अपर लेवल और ये अपर क्यों है क्योंकि इसके पास रिसोर्स हैं और उन रिसोर्स के थ्रू ये क्या जनरेट करते हैं इट कैन बी इंडस्ट्री इट कैन बी टेक्नोलॉजी और इवन बिकॉज वन दे हैव रिसोर्स सो दे कैन कंज्यूम इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्टमेंट के रिसोर्स उनके पास हैं तो फिर वो डोमिनेटिंग पोजिशन में हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा उनके पास है इसलिए भी कि बिकॉज दे दे आर हैविंग दे आर इन्जॉइंग द स्टेटस एट अपर लेवल सो दे कैन इवन इंटरफेयर इन द पोलिटिकल सिस्टम एंड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ़ पोलिटिकल सिस्टम वो फ़ैसला साजी को भी मुतासर कर सकते हैं और फिर वो अपर क्लास है तो जो लोअर क्लास है हमें उसको समझना है कि वाई दे आर लोअर वो लोअर इसलिए हैं कि उनके पास रिसोर्स नहीं है दे ओनली कैन ऑफर देयर लेबर वो कैसे लेबर ऑफर करेंगे क्योंकि जाहिर है इंडस्ट्री को रन करने के लिए किसी भी प्रोडक्शन हाउस को रन करने के लिए लेबर क्लास की वर्किंग क्लास की ज़रूरत है और वर्किंग क्लास जब अपनी सर्विसेज ऑफ़र करती है तो उनका मेन कंसर्न या मेन ईशू क्या होता है जस्ट इज़ देअर सर्वाइवल वो अपने सर्वाइवल की स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जब वो अपने सर्वाइवल की स्ट्रगल करते हैं तो इससे सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस जनरेट होती हैं एक वो जो जिनके पास मनी है रिसोर्सेज हैं वो अपर और दूसरी लोअर क्लास जो वर्किंग क्लास है लेकिन वर्किंग क्लास का जो शेयर है जो एक्चुअल प्रॉब्लम है काल मार्क्स ने जो डिस्कस की है या हाईलाइट की है वो ये है कि उनका शेयर कौन डिटर्मन करता है वो जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं और जब वो शेयर अगर उनका प्रॉफिट इंक्रीज भी हो उसके अकॉर्डिंग वो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है बल्कि वो शेयर सिर्फ जो डिसाइडेड है वही मिलेगा तो इस वजह से जो पूरी के पूरी जो सोशल ऑर्डर है उस पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वर्किंग क्लास या लेबर क्लास एक वक्त ऐसा आता है वो ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा एफर्ट क्यों पुट कर रहे हैं जब हमें उसका अल्टीमेट बेनिफिट नहीं मिल रहा तो कार्ल मार्क्स के सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की फ़िलासफ़ी के अंदर जब वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की इम्प्लीकेशंस को हाईलाइट करता है या इस कॉन्टेक्स्ट में इवेलुएट करता है सोशल डेवलपमेंट को विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकनॉमिक आस्पेक्ट तो यहाँ हमें ये बात नज़र आती है कि कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जब दोनों क्लासेस के दरमियान डिफरेंस बढ़ता चला जाता है तो उस डिफरेंस को फिल करने के लिए क्या कोई फोर्सेस का जिक्र कार्ल मार्क्स ने किया है या ये मिसिंग लिंक जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है विद हिज कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज और फिर दूसरी बात ये कि फिर वहीं पर ही जो बाकी फिलोसफर्स हैं उनकी डोमेन स्टार्ट होती है और वो कार्ल मार्क्स के नुक़ नज़र के बारे में अपने अपने पर्सपेक्टिव को इन्वॉल्व करते हैं और फिर इस सब्जेक्ट की ग्रोथ जो है वो होती है क्योंकि इकनॉमिक फैक्टर की बेस पर जब क्लासेस बनती हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको लिंक या डिस्कस नहीं किया जाता और यही कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी के ऊपर जब उसको एज़ पोलिटिकल सोशोलोजिस्ट समझने की कोशिश की जाती है कि उसने इकनॉमिक फैक्टर पर क्लास सिस्टम के बारे में बात की लेकिन उसकी एप्लीकेशन उसकी इम्प्लीकेशंस सोसाइटी को कैसे डिस्टर्ब करती हैं और उसका हल कैसे निकाला जा सकता है वहाँ बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें उसकी फ़िलोसफी में नहीं मिलते